हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 8, टॉम पेंट्स द फेंस। स्टूडेंट्स, फेंस की मीनिंग होती है जो बाउंड्री वॉल होती है गार्डन की या घरों की, जो बाउंड्री होती है उनको हम लोग फेंस बोलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके कैरेक्टर्स हैं टॉम, आंट पॉली, बेन, बिली एंड जॉनी। टॉम, व्हाट अ लवली डे। आई थिंक आई विल लाई हेयर फॉर सम टाइम। आई डोंट हैव टू हरी टू स्कूल बिकॉज टूडे इज़ अ सैटरडे। टॉम कहता है कि आज कितना लवली डे है, आज कितना प्यारा दिन है और मैं सोचता हूँ कि आज मैं यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ही आराम करूँगा। आई डोंट हैव हरी टू स्कूल, आज स्कूल जाने की भी कोई जल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज सैटरडे है और उसका हॉलीडे है। आंट पॉली, टॉम टॉम वेयर आर यू। आंट पॉली आवाज़ देती हैं कि टॉम टॉम तुम कहाँ हो। आई हैव सम वर्क फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। टॉम, ओह नो आई विल हैव टू वर्क। टॉम कहता है अरे नहीं, मुझे काम करना पड़ेगा। इफ़ आई जस्ट लाई हेयर क्विटली, और अगर मैं यहाँ पर शांति से सोता रहूँ, पर हैप्स आंट पॉली विल फॉरगेट अबाउट मी, तो शायद हो सकता है कि आंट पॉली मेरे बारे में भूल जाएँ। देन आई कैन स्लीप ऑल मॉर्निंग, और तब मैं पूरे सुबह या पूरे दिन सो सकता हूँ। आंट पॉली स्टैंडिंग एट हर डोर विद हर हैंड ऑन हर हिप्स। आंट पॉली दरवाजे पर खड़े होकर अपने हिप्स पर अपने हाथ को या अपने कमर पर अपने हाथ को रखे हुए। सो देयर यू आर लेजी एज यूजुअल। आंट पॉली कहती हैं कि अच्छा तुम यहाँ पर हो हमेशा की तरह आलसी। गेट अप आई हैव सम वर्क फॉर यू, खड़े हो जाओ मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। टॉम, ओ डिड यू कॉल मी आंट पॉली। टॉम बड़े इनोसेंस सो के बोलता है आंट पॉली क्या आपने मुझे बुलाया। व्हाट डू यू वांट मी टू डू, आप मुझसे क्या कराना चाहती हैं। आंट पॉली आई वांट यू टू पेंट द फेंस। आंट पॉली कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम फेंस को पेंट करो। हेयर इज़ अ पॉट ऑफ पेंट एंड अ ब्रश, और ये पेंट का पॉट है और ये ब्रश है, इसको लेके इससे फेंस को पेंट करो। यू हैव द होल डे सो मेक श्योर यू पेंट इट वेल, तुम्हारे पास पूरा दिन है इसलिए श्योर करो कि तुम अच्छे से इसको पेंट कर लोगे। टॉम साइगिंग, बिल्कुल साइगिंग मीन्स ऐसे करते हुए। आई विल नेवर फिनिश, व्हाट अ वेस्ट ऑफ अ हॉलीडे। टॉम कहता है ऐसे अंगड़ाई सी लेता हुआ कि मैं बिल्कुल भी फिनिश नहीं करूँगा, क्या आज पूरा छुट्टी खराब करने का पूरा जो है दिन हो गया है ये, या आज मेरा हॉलीडे कितना वेस्ट हो गया है। टॉम गेट्स अप washes his face and goes out with a paint and the brush. Tom उठता है और अपने फेस को वॉश करता है और पेंट और ब्रश के साथ में वो बाहर जाता है। He dips the brush into the paint and starts painting the fence. वो ब्रश को जो है पेंट में डिप करता है और फेंस को पेंट करना स्टार्ट कर देता है। All of a sudden he has an idea. अचानक ही उसको एक आइडिया आता है। Tom to himself, I know I will get all the boys to help me and then I can go back to sleep. अपने आप से ही बोलता है कि मुझे पता है कि अगर सारे बॉय मेरी हेल्प कर दें तो मैं जो है सोने के लिए दोबारा वापस जा सकता हूँ। टॉम बिगिंस टू पेंट एंड विजल। टॉम पेंट को करना स्टार्ट करता है और विजल मतलब ऐसे सीटी बजाता है या बुदबुदाता है। सून बेन वॉक अप टू द टॉम एंड लाफ एट हिम, और जल्दी ही बेन उधर वॉक करता हुआ या टहलता हुआ आता है और टॉम को देखकर उस पर हंसता है। टॉम कंटिन्यूअस पेंटिंग एंड विजलिंग। टॉम पेंटिंग लगातार पेंटिंग करता रहता है और सीटी बजाता रहता है। बेन, टॉम व्हाई आर यू वर्किंग ऑन अ हॉलीडे। बेन कहता है टॉम तुम आज छुट्टी के दिन काम क्यों कर रहे हो। टॉम, वर्क दिस इज़ नॉट वर्क, दिस इज़ एन आर्ट रिक्वायरिंग वेरी स्पेशल स्किल्स। टॉम कहता है वर्क दिस इज़ नॉट वर्क, ये कोई काम नहीं है, दिस इज़ एन आर्ट, ये एक आर्ट है जिसको कि बहुत स्पेशल स्किल के साथ ही करना पड़ता है, या इस आर्ट को करने के लिए बहुत स्पेशल स्किल की ज़रूरत पड़ती है। फ्यू पीपल कैन डू इट वेल, कुछ ही लोग हैं जो इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आंट पॉली नोज दैट आई कैन डू इट बेस्ट, आंट पॉली को पता था कि मैं इसको बहुत बेस्ट तरीके बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। बेन, रियली टॉम प्लीज़ लेट मी ट्राई इट। बेन कहता है कि रियली टॉम तो प्लीज़ मुझे इसको ट्राई करने दो। टॉम, नो वे आई कांट लेट यू इवन टच इट।
टॉम कहता है, नहीं नहीं यहाँ तक कि मैं तो तुमको इसको टच भी नहीं करने दे सकता हूँ। हाउ कैन आई, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? यू नीड स्पेशल स्किल, यू विल ओनली स्पॉइल इट। वो कहता है तुम्हें इसके लिए एक स्पेशल स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो तुम इसको स्पॉइल कर दोगे या ख़राब कर दोगे। आंट पॉली विल बी एंग्री विद मी, सॉरी, और आंट पॉली मेरे ऊपर नाराज़ होंगी इसलिए सॉरी। बेन प्लीडिंग विद टॉम, बेन टॉम से रिक्वेस्ट करता है, कम ऑन टॉम प्लीज़ लेट मी ट्राई। बेन टॉम से कहता है कि प्लीज़ टॉम मुझे इसको ट्राई करने दो। लुक आई विल गिव यू दिस एप्पल इफ़ यू लेट मी पेंट, देखो मैं तुम्हें अपना ये सेब दूंगा अगर तुम मुझे पेंट करने दोगे। टॉम टेक्स द एप्पल, टॉम एप्पल को ले लेता है। टॉम वेल आई सपोज यू कुड ट्राई, टॉम कहता है मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम इसको ट्राई कर सकते हो। हेयर टेक द ब्रश, नो माइंड यू बी केयरफुल, और कहता है कि लो तुम ये ब्रश ले लो लेकिन ध्यान रखना कि बहुत सावधानी के साथ ही करना। टॉम सिट्स मचिंग द एप्पल वाइल बेन वर्क्स, सून बिली कम्स अलोंग, टॉम आराम से बैठ के एप्पल को खाता है जब बेन काम कर रहा होता है जबकि, और जल्दी ही बिली वहाँ पर आता है। बिली व्हाई आर यू वर्किंग ऑन अ हॉलीडे बेन, बिली पूछता है कि बेन तुम इस हॉलीडे पर काम क्यों कर रहे हो। बेन प्राउडली आई एम नॉट वर्किंग, दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ स्किल। बेन बड़ा प्राउडली फील करता है और प्राउडली फील करते हुए बोलता है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरे स्किल का टेस्ट हो रहा है। बिली ऑफ कोर्स नॉट इट्स इजी, बिली कहता है ऐसा नहीं है ये तो बहुत आसान है। बेन ओ नो एवरीबडी कैन नॉट डू इट, बेन कहता है नहीं नहीं हर कोई इसको नहीं कर सकता है। बट टॉम थिंक्स दैट आई कैन, लेकिन टॉम ऐसा सोचता है कि मैं इसको कर सकता हूँ। बिली प्लीज़ टॉम विल यू लेट मी ट्राई, बिली कहता है कि प्लीज़ टॉम क्या तुम मुझे ट्राई करने दोगे। डू गिव मी अ चांस, मुझे एक चांस दे दो। टॉम थॉटफुली आंट पॉली ट्रस्ट मी टू पेंट दैट फेंस वेल, टॉम सोचती हुई मुद्रा बनाता है और फिर कहता है कि आंट पॉली को मेरे ऊपर ट्रस्ट है कि मैं फैंस को बहुत अच्छे से पेंट कर सकता हूँ। बेन हैज़ डन इट क्विट वेल, और बेन भी इसको थोड़ा अच्छा कर ही रहा है या बहुत अच्छा मतलब थोड़ा अच्छे तरीके से कर रहा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट यू बिली, लेकिन बिली मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि तुम अच्छे से फैंस को पेंट कर पाओगे कि नहीं। बिली आई विल गिव यू दीज मार्बल टॉम इफ़ यू लेट मी पेंट, बिली कहता है कि टॉम अगर तुम मुझे पेंट करने दोगे तो मैं तुम्हें अपने ये मार्बल्स दूंगा। टॉम ऑल राइट बेन गिव बिली द ब्रश, टॉम कहता है कि ठीक है बेन बिली को ब्रश दे दो। अ लिटिल लेटर जॉनी केम्स अलोंग, और थोड़े टाइम बाद ही जॉनी उधर आता है। टॉम इज़ प्लेइंग विद द मार्बल्स वाइल बिली इज़ पेंटिंग, और टॉम जो होता है वो मार्बल के साथ कंचों के साथ खेल रहा होता है जबकि बिली पेंट कर रहा होता है। स्टूडेंट्स आप अपने चैप्टर में देख रहे हैं नेक्स्ट पेज पे आपके पिक्चर बनी हुई है जिसमें कि टॉम देखिए कितने आराम से बैठ के ये एप्पल खा रहा होता है और यहाँ पर बेन पेंट और बिली अपने मार्बल्स का लालच देकर इसको पेंट करने के लिए बोल रहा है। तो ये तीनों फ्रेंड्स हैं जिसमें से कि अभी जॉनी को आना बाकी है। जॉनी व्हाई आर यू वर्किंग ऑन अ हॉलीडे बिली, जॉनी भी सेम वही क्वेश्चन करता है कि बिली तुम छुट्टियों पर काम क्यों कर रहे हो। बिली दैट दिस इज नॉट वर्क, बिली कहता है ये कोई काम नहीं है, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ स्किल, ये स्किल का टेस्ट है। If Tom think you can do it well, then he will let you paint. लेकिन अगर टॉम सोचता है कि तुम अच्छा कर सकते हो तो वो तुम्हें इस पेंट को करने देगा। जॉनी टॉम प्लीज़ लेट मी पेंट टू, जॉनी टॉम से कहता है कि प्लीज़ टॉम मुझे भी पेंट करने दो। आई विल डू इट वेल यू विल सी, और तुम देखोगे कि मैं इसको बहुत अच्छे ढंग से करूँगा। हेयर यू कैन टेक माई न्यू बॉल, और इसके लिए तुम ये मेरी न्यू बॉल ले सकते हो। टॉम वेरी सेटिस्फाइंग, बड़े मतलब सेटिस्फाइंग या बड़े संतोष मुद्रा में बोलता है। बिली यू कैन गिव द ब्रश टू जॉनी, टॉम बिली से कहता है बिली तुम ये ब्रश जॉनी को दे दो। लेट हिम पेंट द फेंस नाउ, और अब फेंस को
पेंट जॉनी को पेंट करने दो। टॉम हैज़ अ गुड आइडिया आइडल टाइम एंड द फेंस हैज़ थ्री कोट ऑफ पेंट ऑन इट। ही रन्स इनसाइड टू टेल आंट पॉली। टाइम ने बहुत अच्छे और बहुत आइडियल टाइम में फेंस को थ्री कोट में पेंट कर दिया और वो दौड़कर अंदर आंट पॉली को बताने गया है। टॉम, इट्स ऑल डन आंट पॉली। टॉम आंट पॉली से कहता है कि आंट पॉली, सारा काम हो गया है या पूरी फेंस पेंट हो गई है। शैल आई गो टू प्ले नाउ, क्या मैं अब खेलने जा सकता हूँ। आंट पॉली, टॉम आई डोंट लाइक टू मी। आंट पॉली कहती है कि टॉम मुझसे झूठ मत बोलो। आई कांट बेयर इट, हाउ मच हैव यू डन। और मैं ये विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि और तुमने इस काम को कैसे कर लिया। टॉम, आई एम नॉट लाइंग आंट, इट इज़ ऑल डन। टॉम कहता है, आंटी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, काम पूरा हो गया है। आंट पॉली गोज़ आउट टू सी फॉर हर सेल्फ। आंट पॉली बाहर आती हैं और खुद ही फैंस को देखती हैं। शी फाइंड्स द एंटायर फैंस पेंटेड, और वो देखती हैं कि पूरी फैंस पेंट हो चुकी है। टॉम देन गोज़ आउट टू प्ले विद बेन बिली एंड जॉनी, और इसके बाद टॉम बेन बिली और जॉनी के साथ में बाहर खेलने चला जाता है। स्टूडेंट्स, ये अडॉप्ट किया गया है एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर बाई मार्क ट्वेन की बुक से। और स्टूडेंट्स, आपके ये वर्ड मीनिंग है, इसके क्वेश्चन आंसर मैं जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।